देश में हर दिन कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, वहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली भी इस मामले में पीछे नहीं है। दिल्ली में आज कोरोना के 6224 नए मामले सामने आए। इस तरह से दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 5,40,541 हो गए हैं। कोरोना के चलते दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 109 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 8,621 हो गया है। वहीं एक दिन में 4,943 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिसके साथ ही ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 4,93,419 हो गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 5,439 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों के कुल मामले 17,89,800 हो गए हैं। वहीं एक दिन में 30 मौतों के साथ ही मरने वालों का कुल आंकड़ा 46,683 हो गया है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 83,221 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 16,58,879 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1766 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,96,511 पहुंच गई है। वहीं 11 मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,183 पहुंच गया है। वहीं गुजरात में कोरोना के 1510 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 2,409 हो गई है। वहीं 16 लोगों की मौत के बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,892 हो गया है। राज्य में एक दिन में 1286 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बिहार में एक दिन में कोरोना के 653 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 2,31,697 हो गई है। वहीं 746 लोगों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने वाले कुल मरीजों की तादाद 2,25,447 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 1,233 लोगों की मौत हुई है। बिहार में फिलहाल 5,016 एक्टिव मामले हैं। उत्तराखंड में एक दिन में 528 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 72,160 हो गई है। वहीं 4,631 मरीजों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने वाले कुल मरीजों की तादाद 65,703 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में 1,180 लोगों की मौत हो गई है। ये था 5 राज्यों का कोरोना संक्रमण का हाल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।